सोमवार को नाथ चंद्रावत छात्रावास में कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह के द्वारा भोजनालय मेस का उद्घाटन किया गया। ये बताना उल्लेखनीय है कि पुरुष छात्रावासों में मेस की सुविधा नहीं थी। इस कदम से बच्चों को खाने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनका काफ़ी समय पढ़ाई के लिए बचेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह कुलपति एवं विशिष्ट अतिथि प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरीशर तथा वित्त अधिकारी वीरेंद्र चौबे रहे। छात्रावासियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि मेस की सुविधा शुरू होने से छात्रावासियों को भोजन बनाने में समय गंवाना नहीं पड़ेगा एवं वे पढ़ाई पर ज़्यादा समय दे सकते हैं। इसमें एक साथ खाना खाने से अंदर की हिचकिचाहट दूर होती है और आपस में मेल मिलाप भी बढ़ता है, जो कि व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सहायक होता है। आजकल UGC एंटी रैगिंग की बात करती है, जब हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे तो इस तरीके की कोई बात मन में नहीं आ सकती है। छात्रावास उपयोगी विश्वविद्यालय में कक्षाओं के समय के आधार पर ही लंच एवं डिनर का समय निर्धारित किया गया है। बच्चों से बात करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि प्रातः भोजन 9 बजे से 11:30 बजे के बीच एवं सायंकालीन भोजन 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच दिया जाएगा। छात्रावास प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि बच्चों को हाइजीनिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन दे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला के द्वारा दिया गया। संचालन डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की वार्डन प्रोफेसर विनीता पाठक, कबीर छात्रावास के वार्डन प्रोफेसर संजय बैजल, विवेकानंद छात्रावास के वार्डन प्रोफेसर चंद्रशेखर, लेखाधिकारी PN सिंह, अधिष्ठाता विधि संकाय प्रोफेसर जितेंद्र मिश्र, प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह, विभागाध्यक्ष बायोटेक्नोलॉजी विभाग प्रोफेसर शरद मिश्र, डॉक्टर मनीष पांडे, डॉक्टर ब्रजेश कुमार आलोक कुमार, डॉक्टर हरीश चंद पांडे, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह, निर्भय नारायण सिंह, संपत्ति अधिकारी योगेश मिश्रा सहित काफ़ी संख्या में शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। NC हॉस्टल में मेस के उद्घाटन के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, खाना तो आदमी खाता ही है, ना बनाने के बजाय नहीं, वो तो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनी हुई है। चलो तो कहाँ है जी,
शुरू करते हूँ। आप सभी का कर्मचारी हम उनका भी स्वागत करते हैं। सबसे प्राचीन हॉस्टल नाथ चंद्रावास जो शुरू से ही यहाँ पे इसका निर्माण हुआ था इसी प्रांगण में है और काफ़ी अंडर ग्रेजुएट के यही छात्र पढ़ते हैं, काफ़ी संख्या में पढ़ते हैं बच्चे जो यहाँ रहते हैं हॉस्टल में और उनकी संख्या लगभग 300 के आसपास है। बाकी अन्य हॉस्टलों से सबसे बड़ा हॉस्टल यही है। अब सबसे हॉस्टलों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बच्चा अंडर ग्रेजुएट लेवल का यहाँ आता है सीधे BA, BSc, BCom। अब लॉ के भी बच्चे यहाँ पढ़ने लगे हैं जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, तो सब यहाँ प्रवास करते हैं। जो अपने घरों से पहली बार निकल करके आते हैं शहर के वातावरण में बहुत से उनका अनुभव नहीं रहता और गांव देहात से आते हैं तो उनको न किसी अच्छी सुविधाएं यहाँ कमरों में मिले बल्कि मेस की भी सुविधा मिले। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे पूरे जितने भी सहयोगीगण हैं पत्रकारी महोदय हैं कुछ सचिव महोदय हैं बाकी सभी लेकिन सबसे मुख्य इसमें भूमिका जो जाती है इस हॉस्टल के वार्डन प्रोफेसर अजय शुक्ला जी ने रात दिन मेहनत करके अपनी जो टीम है उनकी स्टूडेंट्स की यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और निश्चित रूप से ये पूरी टीम का दायित्व है। सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि हम मेस की शुरुआत कर रहे हैं और जो छात्रों की डिमांड थी कम से कम रेट पर दिया जाए खाना तो उसी रेट पर उनको एक स्वच्छ भोजन अच्छा पौष्टिक भोजन मिल सके ताकि उनको घर की कमी महसूस ना हो और अपने पठन पाठन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। विश्वविद्यालय आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा।